इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत की आवाम में सब्र काफी कूट कूट कर भरा हुआ है। वैसे ये सब्र आया भी है तो मोदी हुकूमत के दौर में। अब गैस के दाम फिर से 25 रुपए का इजाफा हुआ, इसके बावजूद सब चिड़ी चुप है। आखिर कौन सा इत्मीनान आवाम को दिलाया गया, समझ में नहीं आता। कभी हमने ये भी देखा था कि महज 5 रुपये गैस या पेट्रोल पर बढ़ाया जाता तो हंगामे, एहतजाज, बंद सब कुछ हुआ करता था। ये हम इसलिए भी ये बात नहीं कह रहे कि मोदी हुकूमत है, हम मोदी विरोधी है, बल्कि हम तो आवाम के हक की बात करते हैं। सिर्फ 25 दिनों में 125 रुपये गैस को महंगा करना शायद तारीख की ही कहा जा सकता है। आवाम में किसी बात पर इतनी खामोशी इससे पहले तो कभी नहीं देखी गई थी। पर पेट्रोल के दाम जबकि आलमी बाजार में कम है, पर जिस कदर मनमानी गैस, पेट्रोल, डीजल में बढ़ाया जा रहा है, ताजुब लगता है। और यह एहसास भी होता है कि मरकजी या रियासती हुकूमत को इतना जरूर पता चल चुका है कि अब आवाम कुछ नहीं कर सकती। किसी तरह आवाम को मसरूफ रखा जाए ताकि सवाल कोई पूछने वाला ही ना रहे। अगर सवाल पूछने वाला कोई है भी तो आवाम के पास वक्त भी तो कहाँ है, किसी ना किसी मसले में उलझा के रखा जाए। अब तो वैक्सीन का दौर है, लोगों को कतार में खड़े रहने की एक आदत पड़ी हुई है। नोटबंदी से लेकर राशन तक कतार में खड़े होने से ही तो मिलता है। जब लोग गुलामी को तस्लीम कर चुके हो तो वहां सत्ता से सवाल करना फिजूल होता है। आज सबसे ज्यादा परेशान घर की महिलाएं हैं, खवातीन हैं। मोदी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा तो है पर जाहिर कोई नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री हर जगह पर अपनी तस्वीर लगाना नहीं भूलते। उज्ज्वला योजना के इश्तेहार में तो महिलाओं को मिला सम्मान की बात कही जा रही है। क्या यही सम्मान है कि महज 25 दिनों में 125 रुपए गैस की कीमत में इजाफा किया जाए। बेलगाम शहर और अतराफ में गैस सिलेंडर की कीमत 785 थी जो अब बढ़कर 836 हो गई है, जबकि मोदी हुकूमत से पहले यानी 2014 में इसकी कीमत महज 414 रुपए थी। कहने का मतलब, किस तरह आवाम को धोखा दिया जा रहा है। मिडिल क्लास फैमिली का तो जीना मुश्किल होगा। बजाय महंगाई बढ़ती कीमतों पर बात करने के, वजीर आजम को वैक्सीन से ही फुर्सत नहीं। एक के बाद एक एजेंडे को मोदी हुकूमत बराबर अमल करती रहती। वजीर दाखला अमित शाह ने तो मगरबी बंगाल में इंतखाबी अजलास में एक बार ऐलान करते हुए कहा कि सिर्फ कोरोना के लिए सीएए एनआरसी को रोका गया है, जैसे ही कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल होगा एनआरसी को फिर से लागू किया जाएगा। मतलब आवाम को फिर सड़क पर उतरना है। अभी सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद कारोबार, फैक्ट्रियां, मुलाजमत किस कदर मुतासिर हुई है। ऐसे कई वालिदैन हैं जिन्हें आज भी बच्चों के स्कूल की फीस अदा नहीं कर पा रहे। तंजीमों, इदारों के पास बच्चों की फीस अदा करने की गुजारिश इन वालिदों की जानिब से की जा रही है। गरीब राशन कार्ड पर चावल, गेहूं हासिल करता है। अब रियासत कर्नाटक के वजीर ने तो अजब ऐलान करते हुए कहा कि जिसके पास टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल है, इन्हें राशन नहीं दिया जाएगा। आखिर आवाम जिंदा रहे भी तो कैसे। पर यह सवाल सरकार से कोई पूछना नहीं चाहता, क्योंकि सत्ता से सवाल करना ही देशद्रोह कहा जा रहा है। पेट्रोल गैस की कीमतों को महज सरकारी खजाने भरने के लिए बढ़ाया जा रहा है, हर रोज इजाफा किया जा रहा है। पर सब्र की इंतहा देखो, लोग भूखे रहना पसंद कर रहे हैं पर मोदी सरकार से सवाल कोई पूछना नहीं चाहता। विपक्ष बिल्कुल कमजोर हो चुका है। कांग्रेस पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है। भाजपा मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों को या तो खरीदा जाता है या तो फिर मुकदमे ईडीआईटी के जरिए आवाजों को दबाया जाता है। ऐसा इल्जाम बार बार लगाया जाता है। बढ़ती महंगाई से बेहाल आवाम की आवाज उठाने के बजाय मोदी, शाह, योगी के शान में कसीदे पढ़ने से गोदी मीडिया को फुर्सत ही नहीं। कांग्रेस आवाज उठाने की कोशिश तो कर रही है पर आवाज में वो रोब नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस की जानिब से कर्नाटक में 3 मार्च से जनध्वनि रैली के नाम से रियासती तौर पर एहतजाजी इजलासों, जुलूसों का एहतमाम किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों और पार्टी को मजबूती बख्शने के लिए रियासती पार्टी सदर डीके शिव कुमार की सदारत में कोलार से इफ्तिताह की जाएगी। गैस के बेतहाशा बढ़ते दामों पर कांग्रेस के कुलहीन सदर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि कारोबार बंद करो, चूल्हे फूंको, झूठे वादों से पेट भरो। आगे उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि वो जुमलों का शोर मचाते हैं और हम सच का आईना दिखाते हैं। बड़े अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि हर अखबार, टीवी चैनल की सुर्खी में टीका लगवाने वाले प्रधानमंत्री की तस्वीर है और गैस की कीमतों के इजाफों को अंदरूनी सफात पर जगह दी गई है। मतलब चाटुकारिता उरूज पर है। इस तरह की महंगाई पर तबसरा करने के बजाय 5 रियासतों में मोदी को जिताने की कोशिश तमाम मीडिया वालों की जानिब से की जा रही है।
पूरे देश की जनता को महंगाई से आवाम के जिस्मों को दागा जा रहा है, पर देश की जनता का सब्र भी देखो के खामोश दहकते महंगाई के दाग सह रही है और आवाज भी नहीं निकाल रही, क्योंकि सभी को इतना इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, एक धर्म विशेष से मुगलों का बदला लिया जाने वाला है। महंगाई तो वक्ती तौर पर आई है, इस ये तो चली जाएगी, आपको सुकून मिलने वाला है आगे जाकर। धर्म के नशे में चूर कुछ अंधभक्त सरकार की हिमायत कर रहे हैं और यही लोकतंत्र के खात्मे की शुरुआत है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।